हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पार्टेक चैनल में। कल की क्लास मैंने आपको एड दी थी, आई होप सो आपको कल की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लेट स्टार्ट, आज की वीडियो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको क्लास 9th कराने जा रहे हैं, सॉरी। तो आज मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में ही बताऊंगी कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे मेमोरी लिखा है, मेमोरी मीन्स आपको पता ही है, ठीक है, याददाश्त, ब्रेन, ऐसा कुछ, ठीक है। व्हाट इज़ मेमोरी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही आता है, व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है, कहाँ हम कंप्यूटर का पढ़ रहे हैं तो इसलिए कंप्यूटर मेमोरी यूज़ करें। कंप्यूटर मेमोरी इज़ लाइक अ ब्रेन, ठीक है। जैसे हमारे पास मेमोरी होती है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर रखते हैं, याददाश्त होती है, बुद्धि होती है ना हमारी, वैसे हमारे पास कंप्यूटर में भी होती है, ठीक है। वो क्या होता है, उसका दिमाग होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इसका काम क्या होता है, जो भी हम डाटा देते हैं, जो भी हम उसे कमांड देते हैं कंप्यूटर को, वो उसे स्टोर करता है, या जो भी फाइल देते हैं, इमेज देते हैं, आपको पता ही है ना वो सारा कुछ कहाँ स्टोर होता है। हमारा जो डाटा स्टोर होता है, सेव होता है, वो सारा मेमोरी में ही तो होता है, ठीक है। इन कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस, ठीक है। कंप्यूटर में क्या है, मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे अपना डाटा हम सेव कर सकते हैं। वेयर द डाटा इज़ टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर, ठीक है। हम वहाँ पे क्या करते हैं, अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और वैसी फाइल्स को भी रख सकते हैं जिन्हें हमें फर्दर बाद में यूज़ करना होता है, ठीक है। इस तरह की हम फाइल्स को रख सकते हैं, उसे हम कहते हैं मेमोरी, जहाँ पे ये डाटा हम अपना स्टोर करके रखते हैं, ठीक। ये काफ़ी तरह की होती है कंप्यूटर में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, फर्स्ट कैशे मेमोरी, सेकंड प्राइमरी मेमोरी, सेकंड सेकेंडरी मेमोरी। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी क्या होती है, दिस मेमोरी इज़ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू स्पीड अप द CPU, ठीक है। ये क्या काम करती है कि जो हमारा CPU होता है, जो हमारी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसे स्पीड अप करने में हेल्प करती है। इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मोस्टली यूज बाय द CPU, ठीक है। ऐसे ऐसे डाटा को, ऐसे प्रोग्राम्स को ये स्टोर करती है जो ज़्यादातर CPU यूज़ करता है अपने आप को चलाने के लिए, ठीक है। कैशे मेमोरी हम इसलिए लगाई होती है कंप्यूटर में, ठीक है। इसके आपको मैं बताऊंगी कुछ एडवांटेजेस, मतलब फ़ायदे, ठीक है। ये पहले क्या होता है, कैशे मेमोरी इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताई थी प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी सेम ही होती है, चाहे प्राइमरी मेमोरी कह दो या फिर मेन मेमोरी कह दो, ठीक है। ये क्या होती है, फास्टर होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, ठीक है। ये किसी भी डेटा को एक्सेस करने के लिए बहुत कम समय लेती है, किसके कंपैरिजन में, मेन मेमोरी के। इट स्टोर डेटा फॉर टेम्परेरी यूज, ठीक है। जो हम डाटा भेजते हैं इसके पास, जो भी ये डाटा स्टोर करती है, वो क्या करती है, उसे परमानेंट नहीं करती, जस्ट टेम्परेरी स्टोर करती है। इट स्टोर्स दैट प्रोग्राम विच कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरह के प्रोग्राम्स को भी स्टोर करती है जो बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए स्टोर होते हैं, ज़्यादा समय के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। और बता दिया मैंने कि ये टेम्परेरी डाटा को ही स्टोर करती है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, पहले तो ये एक्सपेंसिव होती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी मेमरीज के एज कम्पेरिजन। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी भी थोड़ी होती है। आपको मैंने पहले ही बताया कि टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है, इसीलिए इसकी कैपेसिटी थोड़ी होती है, इसीलिए टेम्परेरीली स्टोर करती है और शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ डेटा को स्टोर करती है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। सेकेंड हमारी आ रही है प्राइमरी मेमरी। प्राइमरी मेमरी को ही हम क्या कहते हैं, मेन मेमरी ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमरी स्टोर्स दैट डेटा इंस्ट्रक्शन एंड दैट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। प्राइमरी मेमोरी हमारी वो होती है, वो उस तरह के डाटा को स्टोर करती है जैसे हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ कर रहे हैं, साथ साथ वो उसको क्या करेगी, स्टोर करती जाती है। इस तरह की मेमोरी जो डाटा यूज स्टोर करती है, उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, ठीक। प्राइमरी मेमोरी क्या आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है, रैम एंड रोम। इसमें एक याद रखने वाली बात है, मैं आपको बता रही हूँ, इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, ठीक है। जैसे हमारी कैशे मेमोरी थी ना, कि उसके पास लिमिटेड ऑफ उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम थी, वैसे ही हमारे पास इसकी होती है प्राइमरी मेमोरी की, इसके पास भी क्या होती है, कैपेसिटी इसकी कम होती है। और डेटा इज़ लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, अगर हम हमारी मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइट चली गई सडनली, तो हमारा जो डाटा हम काम कर रहे थे वो सारा कुछ गायब हो जाएगा, आपको वो सेव्ड नहीं मिलेगा इस तरह की मेमोरी में, ठीक है। और इसकी कुछ मैं आपको फंक्शंस बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बार बार बताया मेन मेमोरी ही प्राइमरी मेमोरी है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है, सिर्फ टेम्परेरली, जैसे अभी कैशे मेमोरी में हमने पढ़ा था टेम्परेरली, वैसे ही ये अगर लाइट चली गई तो हमारा डेटा रिमूव हो जाएगा, डाटा स्टोर नहीं रहेगा, तो ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ये जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है उसके एज कम्पेरिजन फास्टर होती है। कंप्यूटर कांट रन विदाउट मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर है हमारा वो इसके बिना नहीं चल सकता है।
थर्ड मेमोरी है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या है, इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी। ये क्या है, बाकी मेमोरीज के मुकाबले जैसे हमारी कैशे है और मेन मेमोरी है, ठीक है, उसके कंपैरिजन काफ़ी स्लो है। इट इज़ यूज टू स्टोरिंग द डेटा और इंस्ट्रक्शन परमानेंटली, पर इसका काम अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये डेटा को, जो भी डेटा हम भेजते हैं, जो भी डेटा हम चाहते हैं या काम कर रहे हैं, वो उसको क्या करती है, परमानेंटली ही सेव करती है। जैसे हमारी डिस्क हो गई, डीवीडीज हो गई, ये हमारे डेटा को परमानेंटली सेव करती हैं। आप एग्जांपल से समझ गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बताऊंगी मैं आपको। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मीन्स जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। वॉलेटाइल वो होती है जो टेम्परेरी सेव करे, और नॉन वॉलेटाइल वो होती है जो परमानेंटली सेव करे। डेटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इफ़ द पावर स्विच ऑफ, ठीक है। जो हमारा डाटा है, अगर मैं काम कर रही हूँ, सडनली लाइट चल जाती है, अगर वो डाटा क्या है, परमानेंटली स्टोर होगा, कहाँ होगा, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, प्राइमरी मेमोरी में वो स्टोर नहीं हो पाता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू रन दी कंप्यूटर, ठीक है। ये भी कंप्यूटर को काम चलाने के लिए, रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, स्लोअर है किसके कंपैरिजन, प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर गाइस आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ ना समझ आया तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज़।